हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। आज हम बात करेंगे ऑयल मीडियम्स के बारे में कि हम किस तरह के ऑयल मीडियम्स ऑयल पेंटिंग में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑयल मीडियम्स होते क्या हैं और इनका क्या यूज़ होता है। तो ऑयल मीडियम्स का यूज़ पेंटिंग को सुखाने के लिए, यानी कि अगर उसका टाइम पेंट को कम करने या ज़्यादा करने के लिए, पेंट को पतला करने यानी थिन करने के लिए, और उसको पेंट को जो उसकी पेंटिंग होती है उसको ग्लेस करने के लिए यानी कि उसकी चमक को बढ़ाने में भी किया जाता है। तो इसमें आप चाहे तो डायरेक्ट उसको ब्रश को आप कलर के साथ और उसके ऑयल के साथ मिक्स कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट उसको डिप कर सकते हैं ऑयल में और उसका यूज़ हम पेंटिंग में कर सकते हैं। तो आज हम कौन कौन से ऑयल पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टर्पेंटाइन ऑयल के बारे में। टर्पेंटाइन ऑयल जो है ये आर्टिस्ट की पहली पसंद है और ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इस ये पेंट को काफ़ी पतला भी कर देता है और बहुत तेज़ी से सूखता है, यानी इसका जो ड्राई टाइम है बहुत कम होता है। और ये काफ़ी, अगर आप लेयर में पेंटिंग कर रहे हैं तो आप टर्पेंटाइन ऑयल का यूज़ कर लें, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी ड्राई होगा तो आप उसके बाद ज़्यादातर कोट उसको लगा पाएंगे। तो आप पेंटिंग, अगर आप कभी पेंटिंग करना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है, तो आप टर्पेंटाइन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप बिगनर हैं तो आप टर्पेंटाइन ऑयल का यूज़ करें। और ये इसका आप कलर देख सकते हैं, एकदम लाइट, बिल्कुल वाटर की तरह होता है, तो ये बहुत अच्छा है। मैं तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ टर्पेंटाइन का, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिंसीड ऑयल की। तो लिंसीड ऑयल में भी हम कई तरह के लिंसीड ऑयल आते हैं। एक आता है कोल्ड प्रेस्ड, एक आता है रिफाइंड, और उसके बाद वो थोड़ा थिक आता है, जो काफ़ी थिक होती है उसकी कंसिस्टेंसी। तो हम पहले बात करते हैं रिफाइंड लिंसीड ऑयल के बारे में। तो ये टर्पेंटाइन से थोड़ा सा येलोइश होता है, और जो ड्राई टाइम होता है उसका बहुत देर में ये सूखता है। यानी जब आपको कोई काम करना है, पेंटिंग करनी है, तो आप टर्पेंटाइन में जल्दी ड्राई हो जाता है और इसमें थोड़ा टाइम लेता है। इसमें आप डिटेल निकाल सकते हैं, थोड़ा सा येलोइश होता है, बट बस सिर्फ डिफरेंस यही रहता है इसमें कि ये थोड़ा ड्राई टाइम इसका ज़्यादा होता है, और इसमें जो पेंटिंग में एक चमक क्रिएट करता है, यानी एक ग्लॉसी फिनिश इसको देता है। अब हम बात करेंगे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के बारे में। तो ये बिना हीट के निकाला जाता है और ये काफ़ी अच्छा होता है। ये रिफाइंड ऑयल की तरह बट उससे थोड़ा जल्दी सूख जाता है, और जो पिगमेंट्स होते हैं हमारे कलर को और ब्राइट करता है, चमकदार करता है, और ये एक प्योर पिगमेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें बिना केमिकल्स के, बिना हीट के इसको बनाया जाता है। बट थोड़ा सा ये डार्क कलर का होता है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हमें कितना उसमें पिगमेंट में यानी कलर्स में इसको ऐड करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई लाइट कलर यानी वाइट कलर यूज़ करें तो आप इसको बहुत कम मात्रा में इसको यूज़ करें, वरना वो उसको येलोइश कर देगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे स्टैंड ऑयल। यानी स्टैंड ऑयल क्या होता है? स्टैंड ऑयल जो लिंसीड ऑयल का एक और थिक जो उसका रूप होता है, यानी थोड़ा सा और गाढ़ा होता है। इसकी कंसिस्टेंसी शहद की तरह होती है देखने में, लेकिन बिल्कुल शहद की तरह नहीं होता है। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि शहद जैसा लगता है देखने में। ये थोड़ा और डार्क कलर का होता है, और ये कैनवस पर और मतलब जो इसका ग्लॉस फिनिश है बहुत अच्छी होती है, और ये पेंटिंग को बहुत ही स्मूथली, जो आप इसको अगर कलर मिक्स करेंगे तो काफ़ी स्मूथ जो टेक्सचर क्रिएट करता है। अगर आप कभी इम्पेस्टो पेंटिंग करते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे कि जो टर्पेंटाइन ऑयल है और लिंसीड ऑयल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस हम बताते हैं कि जो लिंसीड ऑयल होता है वो थोड़ा सा टाइम, जो ड्राई होने का जो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है, थोड़ा सा येलोइश होता है, और ग्लॉस इसमें ज़्यादा रहता है, यानी चमक थोड़ी ज़्यादा रहती है। और जो टर्पेंटाइन होता है वो बहुत जल्दी ड्राई होता है, थोड़ी कम इसमें चमक रहती है। तो अगर आप जल्दी पेंटिंग करना चाहते हैं तो टर्पेंटाइन का यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंटिंग में आपको टाइम मिले, आप 2-3 दिन तक उस पर काम करना चाहते हैं, तो आप लिंसीड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या हम दोनों ऑयल को मिक्स कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही कि आप दोनों ऑयल को मिक्स कर सकते हैं। आप एक पार्ट अगर आप टर्पेंटाइन ले लें और दो पार्ट आप लिंसीड ऑयल यूज़ कर लें,
तो वो भी अच्छा रहेगा। और अगर आप एक पार्ट टर्पेंटाइन ऑयल लेना चाहते हैं, दो पार्ट लिंसिड ऑयल लेना चाहते हैं, तो वो उस पेंटिंग को थोड़े ड्राई होने का टाइम बढ़ा देगा। तो इसलिए आप इसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप पेंटिंग में चाहते हैं कि थोड़ी सी फिनिशिंग या चमक रहे, तो आप लिंसिड ऑयल का एक पार्ट ले लें और एक पार्ट आप टर्पेंटाइन का। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके आप अपने कलर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आप मैं ज़्यादातर इसी तरह से यूज़ करती हूँ कि मैं दोनों का बराबर पार्ट ले लेती हूँ। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कभी मेरी पेंटिंग जल्दी सूख जाए, तो फिर मैं दो पार्ट टर्पेंटाइन लेती हूँ और एक पार्ट लिंसिड ऑयल का लेती हूँ। तो इससे हल्का सा ग्लॉसी फिनिश रहता है पेंटिंग में, और टर्पेंटाइन होने की ज़्यादा जो इसकी क्वांटिटी होने की वजह से जल्दी सूख भी जाती है। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज हमने ऑयल पेंटिंग्स के जो ऑयल हैं मीडियम्स के बारे में बात की। अगर आप इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।